फिल्म मेकर विक्रम भट्ट सस्पेंस और हॉरर फिल्मों के मंझे हुए निर्देशक कहे जाते हैं। राज कसूर, फुटपाथ, 1920, हेट स्टोरी, दीवाने हुए पागल समेत कई फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। विक्रम अपनी फिल्मों के साथ साथ बॉलीवुड की अभिनेत्रियों के साथ अपने रिश्तों को लेकर भी मशहूर रहे हैं। विक्रम भट्ट का सुष्मिता सेन और अमीषा पटेल के साथ लंबा रिश्ता रहा। 27 जनवरी को विक्रम भट्ट का जन्मदिन होता है। वो 52 साल के हो गए हैं। फिल्म दस्तक की शूटिंग के दौरान विक्रम भट्ट का और सुष्मिता सेन का रिश्ता शुरू हुआ था। सुष्मिता की खातिर विक्रम ने अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ दिया था। कई सालों तक दोनों लिव इन में रहे। विक्रम और सुष्मिता के बीच 2 सालों तक बहुत गहरा रिश्ता रहा, लेकिन एक बार दोनों के बीच ऐसा झगड़ा हुआ कि इनका ब्रेकअप हो गया। सुष्मिता को आज भी उस रिश्ते का मलाल नहीं है। सुष्मिता के मुताबिक विक्रम के साथ बिताए गए लम्हे उनकी जिंदगी में हमेशा यादगार रहेगा। वहीं विक्रम सुष्मिता के साथ ब्रेकअप के बाद सदमे में आ गए थे। उन्होंने छोटी मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की थी। सुष्मिता से ब्रेकअप के बाद उनका रिश्ता अमीषा पटेल से जुड़ा। फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे की शूटिंग के दौरान अमीषा विक्रम भट्ट के प्यार में पड़ गए। तलाकशुदा विक्रम एक बेटी के पिता थे और उम्र दराज भी। अमीषा के माता पिता को इस रिश्ते से सख्त एतराज था। विक्रम से रिश्ता रखने की वजह से उनके मम्मी पापा से संबंध बिगड़ गए। खुद अमीषा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि विक्रम के साथ प्रेम संबंध की वजह से उनकी मां ने चप्पल से पिटाई की थी। मम्मी पापा का घर छोड़कर वो विक्रम के साथ लिव इन में शिफ्ट हो गईं। उनके बीच प्रॉपर्टी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। अमीषा ने अपने पिता के खिलाफ 12 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया था। अमीषा की माने तो उनके पिता उनके पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। माता पिता के अलगाव के बाद करीब 3 सालों तक विक्रम भट्ट के साथ रही अमीषा। इसका असर उनके करियर पर भी पड़ा। फिल्मों की नाकामी के साथ विक्रम के साथ भी उनका रिश्ता नाकाम रहा। अमीषा से ब्रेकअप के बाद विक्रम ने उनके बारे में कई खुलासे किए थे। उन्होंने कहा था कि अमीषा अपना करियर बचाने के लिए टोटका करती थी। अमीषा को जब फिल्में नहीं मिल रही थी तब बहुत परेशान रहती थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों करीब 5 साल तक साथ रहे। एक इंटरव्यू के दौरान विक्रम ने कहा था कि उन्होंने और अमीषा ने एक साथ बुरा वक्त देखा है, लेकिन जब उनका अच्छा वक्त शुरू हुआ तब वो अमीषा के साथ नहीं थे। विक्रम ने उस वक्त 1920 शापित और हॉन्टेड जैसी हिट फिल्में बॉलीवुड को दी थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।